हाँ इमरान हसनी जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। सबसे पहले तो के एक्टर थे आप और बुक भी लिखी हुई है आपने, अभी थ्रिलर किताब आपकी, क्या है इस किताब का सब्जेक्ट, क्या कहना चाहेंगे आप? तो शुक्रिया बहुत बहुत आपकी बधाइयों के लिए। और एक्टर तो खैर अब भी हूँ, वो तो एक ऐसी चीज़ है जो कभी छूट नहीं सकती। किताब ऐसा है, लिखने का तो मेरा चलता ही रहता था हमेशा से। जब इंडस्ट्री में नहीं आया था तब भी लिखता था, जब लॉकडाउन हुआ था तो किताब लिखना शुरू करी थी मैंने। पैरानॉर्मल पे काफ़ी रिसर्च करी है, पैरानॉर्मल मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है, तो मैंने उसके बारे में काफ़ी हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है मेरा, कभी कुछ रिसर्च करता ही रहता हूँ। तो जब लॉकडाउन हुआ था तो मैंने सोचा था कि 3 महीने में ये किताब मैं लिख लूँगा, लेकिन वो 3 महीने जब वो शुरू हुई तो कब 2 साल लग गए उसको लिखने में पता ही नहीं चला। तो 2 साल में जाके ये कंप्लीट हुई, फिर कुछ पब्लिकेशंस को दी, कई लोगों ने बोला पब्लिश करने के लिए, फिर जिनके साथ करना थी उनके साथ कर ली और अब ये मार्केट में है। तो मतलब पैरानॉर्मल थ्रिलर इसलिए आप नाम दिया है आपने? हाँ, ये पैरानॉर्मल थ्रिलर है। वैसे बड़ा लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, पैरानॉर्मल और हॉरर को लोग एक मान के चलते हैं। सो हॉरर इज पैरानॉर्मल, बट पैरानॉर्मल इज नॉट ऑलवेज हॉरर। हॉरर से तो पैरानॉर्मल होगा, लेकिन पैरानॉर्मल हॉरर है कि नहीं वो ज़रूरी नहीं है। तो ये एक लव स्टोरी है, उसके साथ पैरानॉर्मल थ्रिलर है, और किस तरह से एक आदमी एक दूसरी दुनिया में फंस जाता है और किस तरह वो वापस आने की कोशिश करता है, क्या है वो पूरी कहानी है। और उस टाइटल मतलब उसी को जस्टिफाई कर रहा है, हाँ, आउट ऑफ माई बॉडी। वो आदमी अपने उसकी जो आत्मा है वो उसकी बॉडी से निकल गई, अब उसको कैसे, ना वो ऊपर गई ना वो नीचे रही, तो वो बीच के प्लेन में फंस गई है, तो वो कैसे वापस आएगी या नहीं आएगी या जो भी होगा, तो वो टाइटल भी उसी के हिसाब से रखा है, आउट ऑफ माई बॉडी। मतलब एक तरह से नॉवेल आपका ये फर्स्ट है, आपने बहुत सारी, हाँ, वैसे, तो हाँ, वैसे मैंने कंप्यूटर के ऊपर बुक्स लिखी हैं, मेरे मैगजीन्स भी, मैगजीन्स में भी स्टोरीज और आर्टिकल्स छपते रहे, लेकिन एज ए नॉवल ये फर्स्ट है। तो क्या कहेंगे आजकल बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में भी बन रही हैं जो बुक पे बेस्ड होती हैं, किसी नॉवल पे बेस्ड है, हो सकता है कि ये कहानी भी आपकी किसी फिल्म का रूप ले लें? एक दो लोगों ने अभी मुझे बोला भी है, कुछ प्रोडक्शन हाउसेज ने बोला है कि बताइए हमें, भेजिए, हम बुक को करना चाहते हैं। तो वो इंटरेस्ट तो लोग शो कर ही रहे हैं, वो वर्क करता है। मैं चाहता हूँ कि अच्छा है, इसके ऊपर अगर कोई फिल्म बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। 500 पेजेस की है तो फिल्म तो क्या, वेब सीरीज बनेगी इसके ऊपर। तो आपने इरफान खान साहब के साथ भी काम किया हुआ पाँच सिंह तोमर में, तो उनके साथ आप कैसे उनको याद करेंगे, इतने अच्छे इंसान हैं, महान और वो सब नेता थे। बिल्कुल, देखिए क्या था कि जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा याद आती है और जो सबसे ज़्यादा मैं मिस करता हूँ, वो मैं करता हूँ उनके साथ जो मेरी बातचीत होती थी। मतलब ऐसा नहीं था हम लोग कोई एक्टिंग और फिल्मों की बातें नहीं करते थे, हम लोग जो बात करते थे, जो हम लोग शेयर करते थे, जिस तरीके से हम लोग डील करते थे, वो मैं बहुत मिस करता हूँ। मतलब मैं, ये बुक आई थी तो मेरे सबसे पहले मुझे लगा था कि अगर ये बुक उस वक्त आई होती तो मैं सबसे पहले भाग कर उनके पास गया होता ये देखने के लिए, या जब लिख रहा था तो उनसे डिस्कशंस करे होते इसके कि क्या क्या चल रहा है, कैसे भी थे, हाँ, शायरी पे तो भी बात करते थे। उनके उनकी पूरी किताबें भरी पड़ी थी, तो हम लोगों के बीच में एक कॉमन फैक्टर था जो ये बुक्स का, जो पढ़ने के वो भी शौकीन थे, मैं भी, तो ये चीज़ थी, वो तो मिस करता हूँ बहुत, सबसे ज़्यादा मिस यही चीज़ें करते हैं कि वो डिस्कशंस, वो बातचीत, वो शेयरिंग। तो शूटिंग के दौरान भी मतलब आप लोगों ने काफ़ी कुछ बात की थी वहाँ पे पान सिंह तोमर के दौरान? देखिए पान सिंह तोमर जो शूट हुई थी वो 45-50 दिन शूट हुआ था, गर्मी के अंदर जहाँ 50 डिग्री का टेम्परेचर रहता था, तो हम लोग साथ ही रहे थे इतने दिन, तो उस वक्त तो कब बात नहीं करते थे हम लोग। ऐसे तो नहीं है कि हम लोग खाली शूटिंग की वजह पे ही बात करते थे, घर पे भी, मतलब बाद में फ़ोन पे भी, शूटिंग पे भी, उनकी कोई शूट कर रहे होते थे वहाँ चले जाते थे, वो आ जाते थे घर पे, तो ये सब तो बहुत लंबा चला। डी डे भी आपने किया ऋषि जी के साथ? हाँ, डी डे हमने ऋषि जी के साथ करा था, वो भी एक बड़ा बड़ा अच्छा अनुभव था उनके साथ। और ऋषि जी हमेशा जहाँ भी मतलब होटल के अंदर भी वो देख लेते थे कि, तो उसके बाद में वॉक कर रहा था तो उनका क्या कर रहा हो, पकड़ के ले गए, फिर हम लोग उसके बाद से हम लोग डिनर लंच साथ ही करते थे। और ऋषि जी क्या था कि डीडी के अंदर उर्दू काफ़ी थी, क्योंकि ऋषि जी का जो कैरेक्टर था वो मुस्लिम कैरेक्टर था, तो उसके अंदर उनको कहीं कहीं जगह उर्दू बोलना पड़ती थी, तो वो हर बार आके पहले अपना डायलॉग करेक्ट करवाते थे कि मैं करेक्ट बोल रहा हूँ ना, मैंने कहा आप करेक्ट बोल रहे हैं, तब वो आगे बढ़ते थे। अच्छा, तो आपकी भी जर्नी रही है काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है, एक मतलब दूसरे प्रोफेशन में थे फिर आप फिल्मों की तरफ आए, थोड़ा सा उस बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए फिल्म लाइन से तो मैं नहीं जुड़ा हुआ था, लेकिन थिएटर से मैं बचपन से जुड़ा हुआ था, 8वीं क्लास से मैंने थिएटर शुरू करा था। उस वक्त एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की, हेरा फेरी, उस हेरा फेरी फिल्म को मैंने प्ले में कन्वर्ट करा था,
और वो एक मोहल्ला प्ले करा था जो मोहल्ले में होता है, तो उसको बड़ा चला था। उसके बाद से मैंने प्ले करना शुरू कर दिए थे, फिर प्ले करते रहे लेकिन अपनी पढ़ाई में करता ही रहा। मैं वैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ बाई क्वालिफिकेशन। उसके बाद मेरी अपनी नौकरी भी करी, मैं जहाँ पे भी रहा वहाँ मैं प्ले ज़रूर करता रहा। फिर मैं मॉरिशस चला गया, तो मॉरिशस के अंदर वहाँ पे मॉरिशस आर्ट एंड कल्चर डेवलपमेंट सेंटर था, फिर मैंने वहाँ पे काम शुरू करा, वहाँ पे कई प्लेस करना शुरू करे, मैंने इंग्लिश प्लेस करे वहाँ पे। फिर वहीं पे मुझे कुछ फिल्म्स को ऑफर आया, तो मैंने वहाँ पे दो, वैसे तो कई फिल्में करी लेकिन जो कहने के लिए हैं वो मेन जो हैं वो दो हैं, कैलेस्ट्रोफोबिया और डेथलाइन, ये दो फ्रेंच फिल्म्स मैंने करी। फिर उसके बाद मैं बॉम्बे आया तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इनसे मिला, तिग्मांशु धूलिया से। उस टाइम अपनी फिल्म चरस की शूटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये इस फिल्म में तो ज़्यादा अब काम बचा नहीं है, मैं तुम्हें अगली फिल्म में बुलाता हूँ। उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया गुलामी के लिए, जो उन्होंने सनी देओल के साथ बनाई थी, सनी देओल, समीरा रेड्डी, इरफान खान। तो फिर हमने वो फिल्म, मैंने उनके साथ वो पहली फिल्म जो मैंने बॉम्बे में आके करी, वो पहली फिल्म थी उनके साथ करी। वो फिल्म बीच में बंद हो गई थी लेकिन उनके साथ एसोसिएशन चलता रहा, उन्होंने काफ़ी काम करा मैंने फिर उनके साथ, और उसके बाद से फिर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बन गया। आप और भी कुछ प्रोजेक्ट्स आपके आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अभी एक फिल्म आ रही है हाई टाइड, ये एक इंटरनेशनल प्रोडक्शन हाउस की फिल्म है, इंटरनेशनली रिलीज होगी, और ये फिल्म डायरेक्ट भी मैंने करी है। तो एक ये फिल्म आने वाली है, दूसरी है डायरेक्ट कर रहे हैं। हाँ, फिल्म का फुल फीचर फिल्म फर्स्ट टाइम डायरेक्ट करी है, शॉर्ट फिल्म तो मैंने बहुत करी है लेकिन फीचर फिल्म ये मेरी फर्स्ट है, बुक मेरी फर्स्ट है, तो ये दोनों चीज़ें फर्स्ट हैं। हाई टाइड वो भी एक थ्रिलर सब्जेक्ट है। हाई टाइड एक थ्रिलर है लेकिन वो पैरानॉर्मल थ्रिलर नहीं है, वो एक नॉर्मल थ्रिलर है, तो आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्या मतलब फ़र्क महसूस करते हैं, आप इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी कर चुके हैं, बॉलीवुड का भी हिस्सा रहे हैं, जो दोनों के बीच में जो फ़र्क है वो फ़र्क है डिसिप्लिन और मैनेजमेंट का, जो कि अब काफ़ी चेंज हो गया है। मैं शुरुआती दौर की बात कर रहा हूँ, जब मैं आया था तब मैंने देखा था कि मतलब यहाँ पे तो कोई टाइम का ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि टाइम लाइन है कि भाई आज ये इतना शूट करेंगे या इतने बजे शुरू करेंगे, या सुबह 9 बजे की शिफ्ट है तो 11 बजे तक कुछ शुरू ही नहीं हुआ। आपने कहा भी था कि वहाँ पे पेपर वर्क बहुत होता है। हाँ, तो वहाँ का जो पेपर वर्क था वो मैंने जो देखा था वो यहाँ पे नहीं होता था, लेकिन अब धीरे धीरे वो होने लगा है उस तरीके के, जो वहाँ पे जो आपको टाइम दिया जाता था उतने टाइम पे ही शुरू होता है, वहाँ तो पैकअप का भी टाइम देते हैं, यहाँ पैकअप का टाइम तो कभी किसी को खुद को ही नहीं मालूम होता जो लोग कर रहे हैं उनको ही, लेकिन वहाँ पे तो पैकअप का टाइम भी होता था कि आपका पैकअप इतने बजे होगा। तो वो सब देखने के बाद जब मैं यहाँ आया था तो मुझे थोड़ा सा कल्चरल शॉक लगा था, एक बार लगा कि मैं यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाऊँगा, शायद मैं वापस चला जाता हूँ, लेकिन फिर एडजस्ट हो गया। मैंने अपनी जो फिल्म बनाई है मैंने उसके अंदर इस बात का बड़ा ख्याल रखा था, कभी भी कोई भी चीज़ अगर टाइम के अलावा कभी भी आगे पीछे नहीं हुई। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।